नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। इंसो ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन, आईटीआई की समस्याओं को लेकर इंसो ने गेट पर जड़ा ताला। गांव मीताथल में स्कूली छात्रों ने निकाली पॉलिथीन हटाओ रैली, लोगों को किया जागरूक। आवारा पशुओं को पकड़ने की मांग को लेकर किसानों ने किया लघु सचिवालय में प्रदर्शन। सीआईपीएल कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों ने की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। भिवानी स्थित आईटीआई में स्थित वर्कशॉप के हालात जर्जर हैं। छत के गिरने से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, यह कहना है इंसो के जिला अध्यक्ष मनदीप सुई का। उन्होंने बताया कि यदि आईटीआई में कोई भी बड़ा हादसा होता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। इंसो के चेयरमैन मनदीप सुई ने बताया कि आईटीआई में कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालयों में गंदगी भरी पड़ी है, चारदीवारी भी पूरी तरह से टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भाजपा सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन पर ले जाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षण संस्थानों के हालात, शिक्षा मंत्री व भाजपा सरकार के शिक्षा के प्रति किए गए सभी वायदों की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रदर्शन किया गया, ये मुख्य मांगे यही हैं जो वर्कशॉप के अंदर है। जी, वर्कशॉप के अंदर जो टहने लगाए रखी है वो बिल्कुल खंडित हो चुकी है, उनमें बारिश का पानी आता है जी, उसमें गर्मी में अंदर गाँव धूप ज्यादा आती है, चार दीवारी नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, तमाम उसके लिए आज हमने इंसो द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है। हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी होनी चाहिए, अगर ये सरकार जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो आईटीआई के अंदर सारे इंसो द्वारा बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। जो भी वर्कशॉप की टहने वो बिल्कुल खंडित हो चुकी है, पीने का पानी नहीं है और बाथरूम नहीं है, पेशाब करने अच्छी तरह सफाई की व्यवस्था अच्छी तरह सफाई नहीं हुआ, कैंटीन कर्मचारी। बुधवार को निकटवर्ती गाँव मीताथल में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीताथल के बच्चों द्वारा पॉलिथीन हटाओ रैली निकाली गई। इस अवसर पर प्राचार्य रमेश बुरा ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बच्चों ने लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने के लिए जागरूक भी किया। भारत सरकार द्वारा पॉलिथीन हटाओ अभियान के तहत गांव मीताथल में स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकालकर पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया गया। वहीं प्राचार्य रमेश बुरा ने बताया कि पॉलिथीन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, पॉलिथीन ना तो गलता है और ना ही खत्म होता है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर कोई पशु इसे खा जाता है तो मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये रैली निकाली है। इस अवसर पर बच्चों ने लोगों को जागरूक करते हुए पॉलिथीन मुक्त भारत के नारे भी लगाए। नए प्रयोग करने के लिए जागरूकता रैली निकाली है। प्लास्टिक के अनेक दुष्परिणाम है, गाय इसको खाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, यदि प्लास्टिक नालियों में चला जाता है तो नालियाँ रुक जाती हैं और दूसरे भी इसके कई दुष्प्रभाव हैं। अतः आज हमने एक प्रोग्राम बना करके गांव में प्लास्टिक प्रयोग न करने, कपड़े का थैला प्रयोग करने के लिए रैली निकाली है। इस अवसर पर हमने ग्रामीणों को समझाया कि वह जूट के थैले का प्रयोग करें, कपड़े का थैला प्रयोग करें और प्लास्टिक को ना कहें। इसके साथ साथ गांव में एक अभियान चला करके हमने पॉलिथीन एकत्रित करके बोरे में डाल करके उसको कचरे में भेजा है। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार गांव को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये 26 जनवरी तक हमारा अभियान चलता रहेगा। आज इसका हमें पॉलिथीन मुक्त रैली निकाल कर गाँव वालों को सबको संदेश दे रहे हैं कि पॉलिथीन से क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो ये स्वच्छता के ऊपर इतना दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, इसके पॉलिथीन फेंक देते हैं, नालियाँ रुक जाती है और नालियों में गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे जो है मच्छर और बाकी सब बीमारियाँ फैल रही हैं। दूसरा, इस पॉलिथीन के अंदर डाल देते हैं, गाय खा लेती हैं जिससे बहुत सी गायों की भी बीमार हो जाती है और बीमार के साथ उनकी बहुत सी गायें आजकल पॉलिथीन खाने से मृत्यु भी हो रही है। इस पॉलिथीन के अंदर एक ऐसा केमिकल है जो कभी गलता नहीं है, हमारी धरती माता सब चीजों को संभाल लेती है, हमारी हड्डियां भी कुछ सालों के अंदर। बुधवार को आवारा पशुओं द्वारा फसलों में किए जा रहे नुकसान की समस्या को लेकर सैकड़ों किसान लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त डॉक्टर अंशज सिंह से मिलने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त को अपनी समस्या से अवगत करवाया। बड़ी मात्रा में किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर बताया कि वे बड़ी मेहनत से खेती करते हैं लेकिन चारों तरफ घूम रहे आवार पशु उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने इस संबंध में एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निवारण किया जाए। और वो है मुख्य रूप से आवारा पशु,
और ये आवारा पशु इतने अधिक हो गए हैं कि जो शहर के नज़दीक तो 8 किलोमीटर तक कोई छोड़ ही नहीं रहे, और रातों किसान जो है ना खेतों में रहता है, दिन में बेचारा काम कर रहा है तो खेतों में रहता है। और डीसी साहब ने हमें विश्वास दिलाया था कि 5-7 दिन में जो शहरों में जितने पशु हैं उसका तो मैं प्रबंध करवा दूंगा, तो अभी तक उस पर कोई प्रबंध नहीं करवाया हमने उसका। इसलिए हमने ब्लॉकों पर हमारे लगातार ये धरने चल रहे हैं, तो शाम ब्लॉक का धरना हो लिया, बौनी खेड़ा का हो लिया, आज बैलकार भिवानी का है, और शिवानी में हमारा लगातार चल रहा है। एक तो ये पशुओं के लिए हमारी मांग है मेले खोले जाएँ और लदान खोला जाए, जब तक मेले और लदान नहीं खुलेगा इतने इसका कोई इलाज हो नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग है कि जो नुकसान इनसे हुआ है उस नुकसान की सरकार मुआवजा दे के पूर्ति करे। हर तरह के कोई महिलाएं हुआ बलात्कार पीड़ित या अन्य शोषण की शिकार हो वो उससे परेशान है, किसान है वो आवारा पशुओं ने इतना तंग कर दिया है कि शहर के आवारा पशु सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, हर रोज सैकड़ों के लिए बर्बाद कर रहे हैं। और हम डीसी साहब से पहले बार 10-12 दिन पहले मिले, लेकिन उन्होंने बोले थोड़ा टाइम दो, आज उस वो उनके उससे जवाब लेने आए हैं कि वो थोड़ा टाइम कितने दिन में आएगा। उन्होंने जून के बाद कहा था कि अगस्त के बाद तक भी हमारा कोई भी आवारा पशु नहीं मिलेगा, सारे शहर के आवारा पशु शाम के टाइम खेतों में निकल जाते हैं सैकड़ों की संख्या में झुंड के। डीसी साहब को हम पहले भी कह के गए थे, ज्ञापन भी दे के गए थे, और ये कहा था उन्होंने कि मैं उसका सारा प्रबंध करवा देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अधिकतर किसान है जो कि आवारा पशुओं के परेशान होकर जब आए हैं, खेती मारी बर्बाद। पीएल कंपनी में ठेके पर लगे कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों ने कंपनी पर पिछले 8 महीने से वेतन ना देने का आरोप लगाया और कंपनी को जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने की चेतावनी दी। सीआईपीएल कंपनी में कच्चे कर्मचारी नारेबाजी करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 8 महीने से उनका वेतन कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है। वो मई महीने से इस कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक वेतन नहीं मिला है। ठेके पर काम कर रहे सीआईपीएल कर्मचारियों ने बताया कि वे मीटर रीडिंग का कार्य करते हैं लेकिन पिछले काफी लंबे समय से वो वेतन से वंचित हैं, जिसके कारण वे मीटर रीडिंग का काम भी नहीं कर रहे हैं। महीने से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है यहाँ पे, और जो भी वर्कर में यहाँ पे काम करता है उसकी सबकी सैलरी बकाया रुकी हुई है, और कंपनी झूठे आश्वासन दे रही है बार बार कि कल देंगे, 10 तारीख को देंगे, 15 तारीख को देंगे, जबकि अभी तक शायद अक्टूबर और दिसंबर तक की सैलरी सब मई से यहाँ लगे हुए कंपनी में, जो कि ठेका बेस की कंपनी है, जो कि सीआईपीएल कंपनी केमिकल इंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी, जो कि इन्होंने मीटर रीडिंग लगाए गए थे जो बच्चे उनका 10 महीने 8 महीने से वेतन बकाया है जो अभी तक वो नहीं मिला, और झूठे आश्वासन बार बार कि झूठा आश्वासन देते हैं कि आपके अगले महीने इतनी सैलरी दे देंगे, अगले महीने आपको डिस रेट दे देंगे, आपको नुबत, जैसे कि झूठा आश्वासन दे रहे हैं, हमें आगे काम करवाते रहते हैं। और आगे चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। इंसो ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन, आईटीआई की समस्याओं को लेकर इंसो ने गेट पर जड़ा ताला। गांव मीताथल में स्कूली छात्रों ने निकाली पॉलिथीन हटाओ रैली, लोगों को किया जागरूक। आवारा पशुओं को पकड़ने की मांग को लेकर किसानों ने किया लघु सचिवालय में प्रदर्शन। सीआईपीएल कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों ने की नारेबाजी। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल मेरे दूसरे सहयोगी के साथ।